हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये जो व्लॉग है ये पिछले ही व्लॉग का एक सीक्वल है। पिछला व्लॉग खत्म किया था 5:30 बजे शाम को, शनिवार को, 1 मई को। तो अभी बज रहे हैं 7:30। लेकिन ये जो आप हमारे हेज का सीन जो बाहर घर के है, ये है 9 बजे का शूट किया हुआ, तो काफ़ी अंधेरा है 9 बजे में। तो अभी जो 7:30 से शुरू करते हैं व्लॉग को हम आज का, तो पिछले ब्लॉग में बताया था कि बच्चों ने आइसक्रीम बनाई थी, वेनिला आइसक्रीम, जो उनके पापा ने मना किया कि ठंडी है तो इसलिए नहीं खानी। तो शाम को 7:30 बजे पापा आते हैं, तो बच्चों ने फिर से वही मुद्दा उठाया। तो फिर अब जो है एक परमिशन मिल चुकी है कि आप उसको मैंगो शेक में डाल के खा सकते हो, प्रोवाइडेड कि मैंगो शेक में एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स नहीं डाले जाएंगे। तो अभी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला दूध है, मैंगोज़ का पल्प लिया है, शुगर डाली है और डाले हैं अपनी आइसक्रीम को, उसमें 3-4 चम्मच भर भर के डाले हैं। तो टेस्टी सा डिलीशियस सा मैंगो शेक बन गया है। तो अब एक्स्ट्रा इसमें आइस नहीं डाली, ताकि जो बिल्कुल उसकी ठंडक है ना, कूलिंग इफेक्ट, सिर्फ उतना सा ही उसमें आया जितना कि अपना आइस का था। अदरवाइज़ बाकी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है इसमें। तो वेरी डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी आइस मैंगो शेक बनता है बना है ये। और उसके ऊपर जो हमने पाउडर किसका डाला है, ग्रीन इलायची, छोटी इलायची का और बादाम का। तो ये वाला फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर, बादाम का फ्लेवर, प्लस जो उसकी आइसक्रीम में वेनिला एसेंस और जो कॉर्नफ्लोर था और कड़ा हुआ जो दूध था, मतलब इतना टेस्टी मैंगो शेक आइसक्रीम की वजह से बना कि दैट बच्चे अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज गए हैं और अब है डिनर प्रिपरेशन। और डिनर प्रिपरेशन के लिए आज हमारा एक बिल्कुल ही स्ट्रेंज सा कॉम्बिनेशन हमने पिक किया है। वो क्या है कि जनरली हम जो सूखी सब्जी है वो नहीं रात को बनाते हैं, लेकिन आज का जो है, क्योंकि दोपहर में खाए थे राजमा और चावल माँ की दाल के साथ, है ना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा सिंपल सा वो क्या होगा कि भिंडी की सब्ज़ी और रेडू और साथ में लच्छा प्याज का सैलेड। ठीक है, तो अभी इस स्पेशल काम के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके लिए एक स्पेशल आ चुके हैं, इधर जुड़ चुके हैं हमारे साथ वाले साहब। तो अब देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन कर लिए हमने और कैसे कैसे मैं लच्छा प्याज का सैलेड बनाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट डिनर की प्रिपरेशन। तो सब्जी के लिए हमारे पास प्याज और हरी मिर्च काट ली है, इधर भिंडी काट ली है, ये जो रेडू के लिए काट लिया है, और इधर से शुरू हो चुकी है, प्याज डल गया है, जीरा वगैरह डाल के प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे, उसके बाद भिंडी डालेंगे और उसके बाद रेडू बनाएंगे मैं। ठीक है, तो साथ ही साथ स्पेशल इफेक्ट के लिए ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की वो सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों से बरियों का फेरा, वो बुढ़िया की शादी गुड़िया की शादी में नानी की। अभी जरा लिरिक्स लिरिक्स जो है वो भूल चुके हैं, अभी ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि कई दिन के बाद गाएं अगर तो फिर रिंग टोन तो याद रहती है, पर लिरिक्स भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। तो लॉकडाउन के दौरान आप भी ज़रूर ऐसा अपनी किचन में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब खाना भी बनाइए, गाना भी गाइए और साथ साथ काम करिए। तो इसलिए अब हमने डाल दिया भिंडी में हल्दी, और अब जाएगा इसमें धनिया और जाएगा अमचूर, नमक, और फिर साथ में ये भिंडी।
तो अब शुरू करते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, अब शुरू करेंगे हम रेडू की प्रिपरेशन। उसके बने लिए मैंने दही वगैरह रख लिया है, दही जो था काफ़ी हार्ड था तो उसको पतला कर लिया थोड़ा सा, और ये प्याज और है उसके लिए हरी मिर्ची, और ज़रा सा हींग थी, थोड़ी सी ही डाली है। तो अब डाला मैंने इसमें जीरा, और जीरे के बाद डाल दिया है मेथी दाना, थोड़ा सा ही डाला क्योंकि कई बार इसका जो टेस्ट होता ना वो अच्छा नहीं लगता। और अब प्याज और हरी मिर्ची डाल दिए इसमें, दो मिनट तक प्याज को फुला लेंगे अच्छे से, ज़रा सा ही इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ब्राउन ज़रा सा ही करेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। और क्योंकि जब थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज होता है ना रेडू में तो उसका बहुत टेस्टी प्याज का हमें अच्छा लगता है। और इसके बाद इसकी बारी है हल्दी की, और इसके बाद जाएगा इसमें धनिया पाउडर, बस उस कुछ नहीं। दो मिनट की रेसिपी, जो मसाले अभी डाले उनको भी एक मिनट के लिए चला लेंगे, बस अब ये तैयार है। और अब नमक बाद में डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, और इसमें जाएगा अपना दही। इसको सिर्फ सिम पे रखेंगे हम, और बिल्कुल हिलाते हुए जस्ट इसको मसाले सिर्फ मिक्स करेंगे दही में, और कुछ नहीं पकाना है बस। अब इसमें जाएगा नमक, हल्का ही रखेंगे क्योंकि सब कुछ नमकीन है, और बस मिक्स कर देंगे। तो रेडू तैयार है, और जब दूसरी बार खाने के टाइम गर्म करेंगे तब भी जस्ट एक मिनट के लिए गर्म करेंगे, वरना ये फट जाएगा दही और सारा काम बेकार हो जाएगा। तो रेडू इज़ रेडी। इधर चटपटी करारी भिंडी हमारी रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट हाफ डन है। ढक्कन उतार के अब मैं इसको जो है वो हीट लगवा रही हूँ, तो 5-7 मिनट में ये भी तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं, जो प्याज का हमने सैलेड तैयार करना था लच्छा प्याज का, तो मैंने 3 प्याज लिए हैं और उनको मैंने गोल गोल काट लिया। अब इनके हम ना ऐसे लच्छे तैयार कर लेंगे सबके, जैसे हम सबको तोड़ लेंगे बीच से। और उसी के साथ थोड़े से मैंने हरी मिर्च के बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके, ये बड़ी फिक्की वाली हरी मिर्ची है, इसमें बिल्कुल कोई कड़वापन नहीं है, तो बच्चे भी इसको कभी मुंह में आए तो खा सकते हैं। तो ये डाल लिया, डालेंगे बिल्कुल लाइट सा, थोड़ा सा इसमें एक चुटकी भर चाट मसाला, क्योंकि इसमें अपना नमक भी होता है। साथ जाएगा सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ इतनी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, अदरवाइज़ लाल मिर्ची हम यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं सिर्फ इसको कलर के लिए कभी कभी चीज़ ग्रेवी में डालती हूँ, इसको किसी चीज़ में नॉर्मल नहीं। और अब सेंधा नमक, वो भी कम क्योंकि चाट मसाला में भी अपना नमक है। और अब एक बिल्कुल जरा सा एक ढक्कन भर मैंने इसमें डाला है ब्लैक वाला विनेगर, और बिल्कुल लाइट सी ब्लैक पेपर पाउडर। और अब इसमें जो डालेंगे मेन इसको खट्टा बनाने के लिए, जो इसको अचारी लुक देगा हमारे प्याज को, वो होगा ये एक लेमन का, मतलब 1 टेबलस्पून लेमन रख लो, 1 लेमन का हमने जूस डाल दिया इसमें, ठीक है। तो सारा लेमन अच्छे से हम, ये इसको खट्टापन भी देगा, चाट मसाला भी इसको खट्टा शो करेगा। तो ये हो गया, अब हम इनको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला सारे प्याज के ऊपर आ जाए, और बस 3 मिनट के लिए रखेंगे। तो बस अब डिनर रेडी है, सैलेड के साथ भिंडी की सब्ज़ी, रेडू, चपाती, और साथ में सैलेड वाली जो मिर्ची है। तो देखते हैं कितना टेस्टी लगता है, सिंपल सा घर में बनाया हुआ बट वेरी टेस्टी। तो आप भी ट्राई करिए ये कॉम्बिनेशन। सपना, हाय चाची जी, दूध ले आए।
हम तो यहीं थे, दूध ले आए। दूध वाले कितने लेट आते हैं, आपके दूध का टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल लेट वाला है ना, अच्छे वाला है इसलिए। ओके गुड नाइट। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं छत के ऊपर, जहाँ हम आजकल रोज़ ही जा रहे हैं पिछले 10-12 दिन से छत पे सैर करने। 9:30 का टाइम हो चुका है, बच्चे और उनके पापा ऑलरेडी जा चुके हैं, वो किचन का सारा काम करके अब जा रहे हैं छत पे। क्या हो गया इधर? अब चुप हो गए। अभी एक मिनट में चखूंगा। आपको एक मिनट में चख दिया था? नहीं ओम तो मेरा पैर लग दस दे मैं मन जाए। It was a fun, very much fun. So we are enjoying at the top of our terrace.